नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, पिछला वीडियो जो हमारा था वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय हुआ था कि बहुत से छात्र जो थे वो जानना चाह रहे थे कि एक जो स्कीम आई थी यूपी टैबलेट योजना, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो छात्र हैं वो बहुत सोच में पड़ गए थे कि भाई किसको किसको टैबलेट मिलेगा। ब्यूटी बेहतर बताई पे नहीं किए हैं, यूपी केवल यूपी वालों को मिलेगा कि बिहार वालों को भी मिलेगा। तो देखिए, आज हम बात करेंगे कि बीएचयू के छात्रों को टैबलेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले उस पर बात करते हैं। तो देखिए, ऐसा कोई अभी बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं आया है कि बीएचयू के छात्रों को टैबलेट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये बस एक नोडल अधिकारी को अपॉइंट करने का निर्देश दे दिया गया कि हाँ भाई, नोडल अधिकारी अपॉइंट हो जाए और टैबलेट मिलेगा। अब बीएचयू के जितने छात्र हैं, एक तरह से उनको लमचूसे दिया जा रहा है खुशी का कि टैबलेट मिली। बाकी ऐसा कोई बहुत बड़ी वो नहीं है कि एकदम मिलना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मिलेगा तो किन छात्रों को मिलेगा, ये भी वो संशय का विषय है। तो देखिए, अगर मिलेगा तो मैं मुझे लगे अगर देखिए दूसरी बात कि किन किन छात्रों को मिलेगा टैबलेट। तो देखिए, अगर मिलेगा तो केवल यूपी के ही छात्रों को मिलेगा और बिहार, बंगाल, उड़ीसा कहीं के छात्रों को नहीं मिलेगा, केवल यूपी के छात्रों को मिलेगा। अगर आपका यूपी का डोमिसाइल है तो आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है नंदित भाई। और तीसरी बात, और हम लोग क्या विषय में बात करने वाले हैं कि हाँ, एफिलिएटेड के छात्रों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे मालिक, एफिलिएटेड तो छोड़ो, यहाँ कैंपस के छात्रों को मिल जाए वही बड़ी बात है। कैंपस के छात्रों तक का भी कोई संभावना नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि पहली बात ये हम बता देते हैं, कंफर्म नहीं है कि आपको टैबलेट मिल ही जाएगा। तो आप लोग इस जो खुशी आप लोग की फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, उस खुशी को आप दबा के रखिए। अभी बहुत ज़्यादा खुश मत हो कि ये बस एक नोटिस जारी हुआ था कि हाँ, डिपार्टमेंट का अपना अपना बच्चों का लिस्ट बनाइए, बाकी ऐसा अभी कोई आगे प्रोसेस नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। दूसरी बात, अब ये लोग बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमें कि भी क्या फॉर्म वॉर्म भरना पड़ेगा। तो आप लोगों को कोई फॉर्म वॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, आप लोग चुपचाप शांति से बैठिए। आप घर पे मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। हालांकि 99% यही रखिए कि नहीं मिलेगा, 1% चांस रखिए कि मिल जाएगा। ये हो गया, तो बस यही था यार, यही कंफर्म करने के लिए आया था तुम लोग को कि जो परेशान थे कि टैबलेट कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, तो उसी के लिए आए थे, बस बता दिए। बाकी आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, अगर मिलना होगा तो मिलेगा, हालांकि नहीं मिलेगा ना कहीं चांस है। क्योंकि यहाँ बहुत से लोग हैं जो खाली भ्रमित करेंगे, जब तक नहीं मिलेगा तब तक कहे ले भाई हम वो करें। हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी को तो नामों नहीं था कि सेंट्रल को मिलेगा, खाली स्टेट को मिलेगा, लेकिन अचानक से कैसे सेंट्रल को आ गया मिलने का, ये सब थोड़ा सोचने वाली विषय की बात है कि नहीं। तो आप लोग भी थोड़ा समझदार बनिए, सोचिए, उसको समझिए। बाकी चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही फनी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो मेरे पुराने वीडियो हैं उसको भी जाकर देखिए, काफ़ी आप लोग को अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुत्ता पालो तो शहरी, एनिमल लवर, हम गाय भैंस पाले तो गंवार, तुम कुत्ता को बेबी डोंट बार्क स्लीप न बोलो तो शहरी, हम गाय भैंस को हट 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 बोले तो गंवार। पूरा दिन उस कुत्ते से अपना बदन चटवाती हो, उसको चाटती हो, तब तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वही अगर हम कहीं भैंस या गाय को छू के आ जाएं तो कहोगे डोंट टच मी। इतनी हरामजादगी लाते कहाँ से हो भाई साहब? अगर तुम्हारा कुत्ता बिस्तर पर लाइटिंग कर देता तो तुम उसको बड़ी प्रेम पूर्वक साफ करते हो, ऐसा लगता है पनीर में खुशबू आ रहा है। बेबी नेक्स्ट टाइम डोंट डू। अब वही रास्ते में चलते हुए तुम्हारे पैर में अगर तनकी से गोबर लग जाता है तो तुम ऐसा रिएक्शन देती हो याक, और उसके बाद इंग्लिश में दो चार बार कुछ बड़बड़ाती हो तो मुझे पता ही नहीं है। कुत्ता करता क्या, दिन भर खाता है सोता आगता है, बस इसको यही काम है। हाँ, कभी कभार काट लेता है, एक बार हमको काटा, इसीलिए हम बच के रहते हैं।